पे काम करने जुट गई, अब सहने की कसर है, जुट गई अब सहने की कसर। इस बार की अगर बात करें तो एक ही बिरादरी से आप लोग दो प्रत्याशी यहाँ पर है, पूर्व विधायक रामनिवास कोठारा जी भी है और आप भी हैं, क्या मानते हैं जनता किस वक्त आएगी, समाज के लोग किस तरह हो जाएंगे? देखिए आज वो नहीं कह रहे थे लिख के ले लो, इस बार तो कलम खिलेगा। हुड्डा साहब के राज के अंदर जब भी कोई वैकेंसी निकलती थी तो फिर थोड़ी बहुत लेकर के नीचे लाई लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, तो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। दस साल नलवा से उन्होंने सेवा की है कि उनको वो दोबारा से छोड़ना नहीं चाहते थे, यहाँ हमने डिमांड करके यहाँ बुलाया है उनको। अच्छा, भाई यहाँ से भी उनको करवाओ ताकि हमारा भी नलवा की तरह से विकास हो। हल्का आपका बदला गया है, कहीं आपको महसूस हो रहा है कि मेरे को दूसरा नया हल्का मिल गया या लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है? लोगों ने जैसे नलवा हल्का के लोग से प्यार करते हैं। विधानसभा चल रहे हैं, उसी बीच में बरवाला हल्के में फिलहाल हम लोग हैं और यहाँ पर हरियाणा के डिप्टी स्पीकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणवीर सिंह गंगवा पहुंचे हैं और यहाँ भव्य कार्यक्रम है, लगातार अलग अलग गांव अलग अलग क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ अभी रणवीर सिंह गंगवा पहुंचे हैं और यहाँ जैसे ही पहुंचेंगे बहुत सारे लोग इनके इंतजार में, उनके साथ मुनीश गोयल है, बरवाला से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और रणवीर सिंह गंगवा, उनके साथ काफी संख्या में लोग भी। और यहाँ अगर बात करें तो वहाँ जैसे ही आप देख रहे हैं तस्वीरों में फिलहाल लोग यहाँ पर अभी उनको भव्य स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे और उसी बीच की बात करें कहीं ना कहीं रणवीर सिंह गंगवा एक तरह से बरवाला हल्के में कमल खिलाने में जोर दे रहे हैं, इस बार कमल खिला के छोड़ेंगे इस तरह की बात है। और देखते हैं जनता जिस हिसाब से यहाँ है, जिस तरह से यहाँ पे लोग एक तरह से उनका भव्य स्वागत करने वाले हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं माला पहनाए यहाँ पे जा रहा है रणवीर सिंह गंगवा जी को, लगातार एक तरह से कुमार धर्मशाला में यहाँ पर है और काफी संख्या में लोग यहां पर हैं फिलहाल। और जैसे कि जैसे अभी माला पहनाकर स्वागत करेंगे, स्वागत के बाद हम लोग उनसे बातचीत भी करेंगे, वो क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है फिलहाल, अगर बात करें तो फिलहाल देखिए रणवीर सिंह गंगवा यहां पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से लगातार लोगों में जोश देखा जा रहा है, रणवीर सिंह गंगवा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। रणवीर सिंह गंगवा एक शरीफ और शराफत जो उनकी झलकती है उस हिसाब से लोग भी उनको एक तरह से चाहते हैं। बरवाला में रणवीर सिंह गंगवा जीते इस तरह के लोगों की वो है, लेकिन आने वाला चुनाव बताएगा, ये तो रहने वाला क्या रहेगा, रिजल्ट क्या निकल के आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भावना, लोग ये चाहते हैं कि रणवीर सिंह गंगवा यहाँ से ज्यादा वोटों से जीते, भारतीय जनता पार्टी इस बार बरवाला में कमल खिलाए, उसके लेकर रणवीर सिंह गंगवा के समर्थन में काफी लोग हैं। अब हम बातचीत भी करेंगे रणवीर सिंह गंगवा से, वो क्या कहते हैं, लेकिन बहुत लंबी लाइन है, लोग लगातार उनके स्वागत के लिए माला लेकर यहाँ पर खड़े हैं। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे, जैसे माला पहना कर लोग एक तरह से थोड़ा वो हो जाएंगे फ्री, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। और बात करें तो रणवीर सिंह गंगवा अपने क्षेत्र में काम करने के बाद इस बार बरवाला में कमल खिलाने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने रणवीर सिंह गंगवा को दिया है। अब हम बातचीत करेंगे रणवीर गंगवा जी से, वो क्या कहते हैं, थोड़ी और लोगों हैं कि हम जब बात करेंगे उनसे, उससे पहले ये लोग जो माला यहाँ डाल रहे हैं बुजुर्ग लोग हैं और समाज से जुड़े हुए लोग हैं और सभी कई देर से इंतजार कर रहे थे, तो रणवीर सिंह गंगवा क्या कहेंगे, हम बातचीत करेंगे रणवीर सिंह गंगवा जी से, फिलहाल यहाँ पर हैं। जी जी, लगातार लोग एक तरह से उत्साहित हैं रणवीर सिंह गंगवा को लेकर और बात करते हैं। सर आज जिस तरीके से कुम्हार बिरादरी का, कुम्हार समाज का साथ आपको मिला है, आज के इस मौके के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जब से बरवाड़ा के अंदर आया हूँ, 36 बिरादरी का मुझे साथ मिल रहा है, सम्मान करने का काम कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स इस बरवाड़ा हल्के के गाँव के अंदर भी, शहर के अंदर भी मिल रहा है। अभी मेरे पूरे के पूरे गांव के दौरे मैंने किए हैं और उसमें अलग अलग समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर के पगड़ी पहनाने का काम किया, अपना अपना समर्थन देने का काम किया। उसी कड़ी में आज यहां कुम्हार धर्मशाला के अंदर कुम्हार समाज ने आज मुझे यहां बुलाया है समर्थन देने के लिए। मैं सभी समाजों का, 36 बिरादरी के लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि इनके बीच में रह करके बरवाड़ा का विकास करने के काम करेंगे। इस बार की अगर बात करें तो एक ही बिरादरी से आप लोग दो प्रत्याशी यहाँ पर है, पूर्व विधायक रामनिवास कोठारा जी भी हैं और आप भी हैं, क्या मानते हैं जनता किस वक्त आएगी, समाज के लोग किस तरह हो जाएंगे? देखिए आज न केवल समाज के लोग, एक समाज की बात नहीं करता मैं, तो आज कहता हूँ कि पूरा 36 बिरादरी के लोग जी, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किए हैं, आज सारे के सारे एकजुट होकर के
आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित रूप से जो हमारा समाज है वो तो वैसे भी बीजेपी माइंडेड है, जो समाजी कैंडिडेट है तो निश्चित तौर पर एक तरफा जो है माहौल आज बरवाड़ा के अंदर बना हुआ है। जैसे कि आप लोग लगातार कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची हम लोग नौकरी दे रहे हैं, गरीबों के लिए हित के काम कर रहे हैं, क्या इस बार के चुनाव में लोग इस चीज को याद करेंगे कहीं ना कहीं भाजपा ने अच्छे काम किए? बिल्कुल, क्योंकि खासकर जो एससी के बीसी के लोगों ने तो इस चीज को भुगता है, उस टाइम पे इस चीज को इस अन्याय को झेलने का काम किया है। हुड्डा साहब के राज के अंदर जब भी कोई वैकेंसी निकलती थी तो फिर थोड़ी बहुत लेकर के एक चलाई लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार नाम देने के कारण ये पत्रिका छोड़ जाते हैं और बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। इस तरीके का अन्याय करने का काम किया था, जबकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय हमारे नायब सैनी जी है मुख्यमंत्री ने ये कहा कि उस टाइम जो अन्याय हुआ था उस बैकलॉग को भी पूरा करने का काम हम करेंगे। आज केवल और केवल चुनाव के टाइम पे वो मांगते हैं, छत्तीस बरादरी की बात करते हैं, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो फिर केवल और केवल उनको पैसा या केवल अपने अपने लोग दिखाई देते हैं। इस तरीके का माहौल जो है कांग्रेस पार्टी में रहा है। तो हल्का आपका बदला गया है, कहीं आपको महसूस हो रहा है कि मेरे को दूसरा नया हल्का मिल गया या लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है? लोगों ने जैसे नड़वा हल्के के लोग मेरे से प्यार करते हैं उससे भी ज्यादा बढ़ करके आज बरवाड़ा हल्के के लोग एकजुट होकर के और हर जगह पे समर्थन देने का काम कर रहे हैं। मैंने टोटल 36 के 36 गांवों के अंदर मैं गया हूं और बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस जो है लोगों का है। तो इस वक्त आप कुमार धर्मशाला में हैं, समाज के लोग आपको यहां पे समर्थन दे रहे हैं, तो दूसरे कांग्रेस पार्टी से भी वो भी आपकी की बिरादरी से हैं रामनिवास वडेला, उनका क्या रहेगा? देखिए बात वो नहीं है, बात ये है कि आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो सम्मान देने का काम किया है समाज को उससे प्रभावित होकर के और आज पूरा गए पूरे जो अलग अलग नुमाइंदे अलग अलग गांवों से आकर के जितने भी हमारे गांव है जितने समाज जो रहते हैं उसमें से हर जगह से नुमाइंदे आकर के आज समर्थन दे रहे हैं। मैं समाज के लोगों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कि इनकी बात जो है हमेशा उठा करके और सम्मान न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। काफी इंतजार के बाद जो है कांग्रेस ने यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारा है, और प्रत्याशी को लेकर के क्या लगता है, कितने मजबूत हैं या उनके आने का कितना आपको लगता है कि फायदा या नुकसान उनके आने? देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग एक दूसरे को खुद निपटाने का काम कर देंगे, वो आपस में गुटों में बटी हुई है। आज हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं, एकजुट होकर के साथ लग रहे हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज जिस उत्साह से जो हमारी महिलाएं आशीर्वाद दे रही हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा साथ दे रहे हैं, निश्चित तौर पर हमें चुनाव बड़े अंतर से जीतेंगे। आपकी पुरानी पार्टी इनेलो से भी एक प्रत्याशी जो है मैदान में है, उनका होना आप किस तरीके से देखते हैं, कितने आपके सामने स्टैंड करते हैं, कहां से? अलग अलग पार्टियां हैं, सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारती है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, वो लोग भी अपने प्रयास करेंगे और दूसरी पार्टी के हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं प्रोफेसर छत्रपाल जी, वो भी अपना प्रयास करेंगे। हर कोई अपना अपना प्रयास करते हैं लेकिन फैसला जनता ने करना होता है और जनता आज हमारे साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जैसे कि पहले पूर्व विधायक रहे और नेता हैं, वो क्या ग्राउंड लेवल पे काम करने जुट गए या कहने की कसर है? देखिए मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के तो अभी यहाँ से विधायक रहे नहीं, वहां तो कमल जैसे मैंने पहले कहा कि पहली बार अब इस बार जनता ने मन बनाया है कि बरवाड़ा से कमल खिलाना है, बरवाड़ा का विकास करवाना है। तो रणवीर सिंह गंगवा के हाथ में कमल खिलेगा इस बार? निश्चित तौर पर आज मुझे कमल दे करके भेजा है तो ये जनता ने ये तय किया है, जनता का जो जिस तरीके से उत्साह है, मेरा अपना एक राजनीतिक अनुभव है, मैं जितना का मेरा अनुभव है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर ये लोगों ने फैसला कर लिया है कि यहाँ कमल खिलाना है। आप बताइए जी, आप युवा हैं, क्या मानते हैं? इन्होंने तो कह दिया कि ओबीसी के तहत बहुत सारे लोग नौकरी लगे बिना खर्ची बिना पर्ची, ये सच है? ये सरकार क्या है, जनहित की सरकार है। अच्छा। ये सभी को साथ लेके चलती है, छत्तीस बिरादरी को। तो उसका जो यहाँ पे कमल का फोन लेकर रणवीर गंगवा जी आए हैं जी। तो उनके साथ के लिए ही सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा। जिताने के लिए। तो इस बार भी कमर कस रखा आप लोगों ने कि अभी तक कमल नहीं खिला बरवाला में? पहले नहीं खिला था, अब की बार खिलाने की पूरी तैयारी है, खिल जाएगा। पक्का? पक्का। आप बताओ जी, आप कह रहे हैं कि इस बार कमल खिल जाएगा, कितना विश्वास है आप इनकी बातों में? 100% विश्वास है जी। अच्छा। हाँ, तभी सारे खड़े हैं, पूरी बरवाड़ा विधानसभा आगे है। तो किस तरह से खिलाएंगे? वोटों से जिताएंगे। अच्छा। इसी तरह खिलेगा और कैसे खिलेगा। अच्छा। हाँ, तो रणवीर सिंह गंगवा जैसे नलवा से यहाँ भेज दिया, क्या मानते हैं आप,
उनकी कार्यशैली अच्छी थी, वहाँ अच्छे काम किए, इसलिए बीजेपी को लगा कि अगर रणवीर गंगवा को भेज देंगे तो कहीं ना कहीं कमल खिल जाएगा बरवाला में। बिल्कुल, गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने कुछ सोच के भेजा हमारे यहाँ बरवाला विधानसभा में। अच्छा, हाँ हाँ जी, आप क्या कहेंगे जी रणवीर सिंह गंगवा को लेकर, जो कह रहे हैं कि सज्जन और बढ़िया आदमी है। अच्छा, और 10 साल नलवा से उन्होंने सेवा की है, उनको वो दोबारा से छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ हमने डिमांड करके यहाँ बुलाया है उनको। अच्छा, भाई यहाँ से भी उनको करवाओ ताकि हमारा भी नलवा की तरह से विकास हो। मतलब आप लोगों की डिमांड थी कि रणवीर सिंह गंगवा को बरवाला भेज दो और वहाँ जो विकास हुआ है उसी तर्ज पे एक तरह से बरवाला विकास विकास। अच्छा, तो आप बताओ जी ये जो बात कह रहे हैं सच्ची है? सत्य है जी। अच्छा, इसीलिए बुलाया दिया। अच्छा, बरवाड़ा का पहले काम नहीं हुआ, इसलिए कमल का फूल खिलाने के लिए इनको बुलाया। तो इस बार पक्का 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 जी, 100% जी, 100%। और लोग भी यहाँ पर हैं, हम और लोगों से बात करेंगे। आप बताओ जी ये कह रहे हैं कि 100% कमल खिलेगा? खिलेगा जी, हमने तो अभी लोकसभा में जब इलेक्शन हुआ तब बरवाड़ा विधानसभा 12,500 वोटों से जीते हैं और इस बार भी जिताएंगे बरवाड़ा से। तो यहाँ पे ना कांग्रेस की तरफ से रामनिवास भुड़ेला है, पूर्व विधायक है, इधर से अपने रणवीर सिंह गंगवा है जो कि 2 बार विधायक, इस बार डिप्टी स्पीकर। क्या मानते हैं लोग, क्या कहेंगे, किस हिसाब के साथ बरवाला में एक तरह से भाजपा के यहाँ कमल खिलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जी बिना फर्ची और बिना खर्ची काम करे हैं। अब ये अड़ोस पड़ोस के अगर गांव में, मेरे समाज के गांव है, बिना पर्ची खर्ची कम से कम भी 250-300 बच्चे नौकरी लगे। अच्छा, जो बिना कुछ पर्ची खर्ची के लगे हैं, जिसमें HCH भी लगे हैं, कुछ डी ग्रुप में भी लगे हैं, फर्स्ट क्लास की नौकरियां भी लगी है जी। हाँ जी, तो मानते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि इस बार कमल खिलेगा बरवाला में, निश्चित मानते हैं खिलेगा? हाँ जी, वो नहीं कह रहे थे लिख के ले लो इस बार तो कलम खिलेगा। अच्छा, खिलेगा जी, पक्का पक्का लिख के दे रहे हो? हाँ जी, कमाल कर रहे हो है? मैं तो गली गली घूम रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, विधानसभा बरवाड़ा विधानसभा के एक एक गांव में घूम रहा हूँ, लोकसभा के टाइम भी अभी भी जा रहे हैं, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। अब भी हमारे हर गाँव से भी लोग आए हुए हैं, बरवाड़ा लोकल विधानसभा से जितने भी है सारे लोकल लोग। अच्छा, हाँ जी।